नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है ऑल इंडिया के लिए। जी हाँ दोस्तों, वो अपना वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, कोई पैसा नहीं लगने वाला है। आप अपना वोटर कार्ड बिल्कुल अपने मोबाइल से ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे कैसे डाउनलोड करना है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, वोटर कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको आना होगा रोजगारबिहार.com वेबसाइट पे। ये ऑल इंडिया के लिए है, ये नहीं कि इसमें बिहार लिखा है तो सिर्फ बिहार का ही है, ऑल इंडिया के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद देखिए, आपको डायरेक्ट लिंक मिलता है जहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिलती है और डाउनलोड कैसे करना है उसकी भी जानकारी आपको दी गई है। तो वोटर कार्ड वाले सेक्शन में ये इस पर आपको क्लिक कर लेना है, ऑनलाइन वाले पे। इस पर क्लिक करते ही देखिए पूरी डिटेल खुल जाएगी। पूरी डिटेल खुलते ही आपके सामने देखिए नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगा ऑनलाइन करने के लिए, और पूरी जानकारी भी यहाँ पे दी गई है। तो आप चाहें तो ये सब जानकारी आप पढ़ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आपको नीचे आना है और ये देखिए ये जो लिंक वन दिखाई दे रही है, लिंक वन पे आपको क्लिक कर लेना है। लिंक वन पे आपको क्लिक करते ही देखिए ये जो है NVSP, ठीक है, NVSP पोर्टल जो है भारत सरकार की, चुनाव आयोग की, ये खुल जाएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन आपको मिलता है EPIC डाउनलोड का, ठीक है। तो यहाँ से अब जो है, पहले नहीं हो रहा था लेकिन अब सबका हो रहा है, तो मैं कैसे डाउनलोड करना है ये आपको दिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, लॉगिन करना है। यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर वाला बटन जो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको लॉगिन और रजिस्टर करना होगा। सबसे पहले क्या है कि अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है इस पोर्टल पे, तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए इस पे क्लिक कर लेते हैं। देखिए इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका अकाउंट लॉगिन वाला खुल जाता है। यहाँ पे नीचे आते हैं तो देखिए नया रजिस्ट्रेशन के लिए ये वाला एक सेक्शन दिखाया गया है, डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर एज ए न्यू यूजर। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे। अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो डायरेक्टली आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। लॉगिन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है देख लीजिए, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे क्लिक करते ही दोस्तों, सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर मांगा जाता है। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ये कैप्चा यहाँ पे डाल के सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। कैप्चा दोस्तों ध्यान से डालना है, कैप्चा में ही आपको गड़बड़ होगा बार बार, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, कैपिटल में है या स्मॉल लेटर में है, तो ध्यान से देख कर यहाँ पे फिल करिएगा और सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। ये देखिए कैप्चा एक्सेप्ट हो चुका है, OTP भी आ चुकी है। अब यहाँ पे OTP फिल कर लेना है और OTP यहाँ पे डाल के वेरीफाई कर लेना है। मैं आपको मोबाइल से ही सारा कुछ करके दिखा रहा हूँ, देखिए मोबाइल से ही मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। OTP जो भी आपका है वो आपको डाल देना है। अब दोस्तों OTP वेरीफाई हो चुका है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर वाले पे टिक कर देना है। अगर आपके पास पुराना वाला वोटर कार्ड है तो यहाँ पे टिक कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे जो है पुराना वाला वोटर कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल देना है, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देनी है, अगर है तो है तो डालिएगा, नहीं तो नहीं डालिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना है और यहाँ पे डाल के कन्फर्म कर लेना है। पासवर्ड कैसे बनाना है दोस्तों देखिएगा, पहला आपको ये कैपिटल लिखना है, ठीक है, उसके बाद स्मॉल लिखना है, और उसके बाद एक सिंबल लेटर डाल देना है, और उसके बाद इस तरीके से नंबर लेटर डाल देना है, ठीक है। नंबर लेटर डाल सकते हैं, तो कम से कम 8 अंकों का पासवर्ड इस तरीके का बना लीजिएगा और यहाँ पे डालिएगा, और यहाँ पे डाल के रजिस्टर कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देखिए दोस्तों अब रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको फिर से रजिस्टर वाला बटन जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे लॉगिन करना है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करते ही देखिए यहाँ, अगर आपका डायरेक्ट लॉगिन हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तब ये करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, और यहाँ पर जो पासवर्ड आपने बनाया है वो डालना है, और ये कैप्चा यहाँ पर डालना है, और नीचे आना है, देखिए ये जो है लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। अब देखिए दोस्तों लॉगिन हो चुका है, लॉगिन के लिए देखिए अब यहाँ पे ये लॉगिन वाला सेक्शन हट चुका है, यहाँ से पहले लॉगिन दिखा रहा था, अब लॉगिन नहीं दिखा रहा है, तो समझिएगा कि आपका लॉगिन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर लेना है, EPIC डाउनलोड पर, बस इसी पर क्लिक करना है, और जो आपका वोटर कार्ड नंबर है, ठीक है, जो आप जिस किसी का भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ आप अपना रजिस्ट्रेशन किए हैं तो आप ही का डाउनलोड होगा, ऐसा कुछ नहीं है, किसी का भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको वोटर आईडी नंबर डालना है, और यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है किस स्टेट का आप डाउनलोड करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे सारे के सारे स्टेट हैं,
तो सब किसी भी स्टेट का आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बिहार का डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ, तो आप किसी का भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अपना ये वोटर कार्ड नंबर पहले डाल लेंगे और सर्च बटन पे देखिए, ये सर्च बटन जो है इस पर क्लिक कर लेंगे। अब देखिए मैंने डाल दिया है, अब सर्च बटन पर क्लिक कर लेते हैं तो आपका डिटेल नीचे खुल जाता है। ठीक है, नीचे डिटेल आप अपना देख लीजिएगा और यहाँ पर देखिए अब आपको ऑप्शन मिलता है एक सेंड OTP का। सेंड OTP पे आपको क्लिक करना है और आपका जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस पर आपको एक OTP जाएगी, वो OTP आपको वेरीफाई करना है। इस पर पहले क्लिक कर लेते हैं और OTP डाल लेते हैं। ठीक है, OTP आ चुका है, अब यहाँ पे OTP डालेंगे और वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे OTP भी मैंने फिल कर दिया है। अब वेरीफाई पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए अब जो है आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे डाउनलोड EPIC का, बस इस पर क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। देखिए यहाँ पे डाउनलोड होते ही देखिए नहीं, ये जो है आपको सबसे पहले बोल रहा है कि ये कैप्चा यहाँ पे डाल के उसके बाद डाउनलोड EPIC पे क्लिक करना है। तो ये देखिए कैप्चा भी मैंने फिल कर दिया है। अब यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, देखिए इनवैलिड कैप्चा बता रहा है, तो इसको ध्यान से ही भरना है क्योंकि यही कैप्चा जो है बार बार आपको गलती होगा, तो इसको ध्यान से भरना है और उसके बाद डाउनलोड कर लेना है। तो एक बार देखिए फिर से मैंने कैप्चा फिल किया है, अब फिर से क्लिक कर लेते हैं तो ये देखिए समथिंग वेंट रॉन्ग दिखा रहा है, लेकिन ये डाउनलोड हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको डाउनलोड करना है, थोड़ा सा टाइम लेगा, ये डाउनलोड हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों डाउनलोड इस तरीके का आपका हो जाएगा। तो इसको आप अपने कार्ड में छपवा सकते हैं, किसी भी साइबर कैफे में जाके छपवा के आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका डाउनलोड नहीं होता है तो क्या करेंगे? अगर आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई दे, नाम वगैरह दिखाई दे, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इज नॉट यूनिक इन रोल नंबर, तो आपको क्या करना है? देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जिनका ये दिखाएगा उनको फॉर्म नंबर 8 भर के अपना मोबाइल नंबर जो है वो अपडेट करना है। तो फॉर्म नंबर 8 कहाँ से मिलेगा दोस्तों? तो फॉर्म नंबर 8 को भरने के लिए देखिए यहाँ पे जो आपको तीन लाइनें दिखाई दे रही हैं, तीन लाइनों पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए ये खुल गया है। अब यहाँ पे आपको जो होम बटन दिखाई दे रही है, होम बटन पे आपको क्लिक कर लेनी है। होम बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड आपका फिर से यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे क्या करना है आपको देख सकते हैं, फॉर्म दिखाई दे रही है, ये जो फॉर्म सेक्शन दिखाई दे रही है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर जो है आपको फॉर्म नंबर 8 मिल जाएगा, देखिए ये रहा। तो यहाँ पर ही आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन भरना है, अगर चाहे तो आप यहाँ से PDF डाउनलोड करके इसको भर कर आप अपने BLO के पास भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे जो है ऑनलाइन सेक्शन खुल जाता है। यहाँ पे आप अपना करना चाहते हैं या फैमिली का, वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है, मैं यहाँ पे सेल्फ कर लेता हूँ। ठीक है, सेल्फ पे क्लिक करके और यहाँ पे नेक्स्ट करते ही आपका जो है फॉर्म नंबर 8 खुल जाता है। फॉर्म नंबर 8 किसके लिए है ध्यान दीजिएगा, फॉर्म नंबर 8 में आप अपना मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशन नेम, रिलेटिव नेम, देखिए मोबाइल नंबर यहाँ पे दिखाया गया और फोटोग्राफ वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो यही आपको सेक्शन को सेलेक्ट करना है और अपना मोबाइल नंबर जमा करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। फिलहाल ये वीडियो लंबी हो चुकी है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अगर आपका डाउनलोड नहीं होता है तो दोस्तों उम्मीद करता हूं जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें पल पल की अपडेट के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।